आज हम पहुंचे हैं चमोली जनपद के थराली विधानसभा सीट। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज हम पहुंचे हैं चमोली जनपद के थराली विधानसभा सीट पर, जहां से विधायक हैं भाजपा की मुन्नी देवी शाहजी। उन्होंने इस क्षेत्र में कितना काम किया, लोग उनके कामों से कितना खुश हैं, इस पर आज चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपके साथ स्वागत करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीएम से धर्म सिंह रावत जी, इसके साथ ही अगर बात करें हमारे साथ भाजपा से प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं महेशानंद चंदोला जी, साथ ही हेमंत सेमवाल जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस से हमारे साथ गिरीश कंडवाल जी मौजूद हैं और संदीप पटवाल जी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इसके साथ ही जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएगी कि उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितना विकास कार्य विधायक जी द्वारा यहां कराया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ, ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन उससे पहले प्रतिनिधि के तौर पर पूछ लेते हैं, सर 4.5 साल आपकी सरकार को हो गए, इस क्षेत्र में कितना काम आपके प्रतिनिधि विधायक के तौर पर किया गया? हमारे विधानसभा थराली में बहुत सारे काम हुए हैं और अनगिनत काम हुए हैं, जिनको कि हम अगर कुछ कोई पूछना चाहे तो हम सारे बता सकते हैं, लेकिन इनको बताने में जितने काम हुए हैं कि कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। सर कुछ महत्वपूर्ण काम जो बड़े विकास कार्य हों, जनता को उससे बड़ा लाभ हुआ हो, ऐसे कोई कार्य आप गिनाएं? जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो नारायणगढ़ में वर्षों पुरानी मांग थी हमारी, यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला और यहाँ पे देवाल में डिग्री कॉलेज खुला और घाट में डिग्री कॉलेज का कार्य शुरू हुआ। तो शिक्षा स्तर पर काम हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी। सर आप बताएं कोई बड़े काम? हमारे विधानसभा में भी बहुत ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और जहाँ तक अगर प्रदेश सरकार की बात है तो हमारे प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, सरकार ने जो है बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर हम तुलना करें इन 4.5 सालों में तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़े ऐतिहासिक कार्य ये हुआ है कि जो अटल आयुष्मान योजना जो हमारी सरकार की चली है, उसमें इस हमारे प्रदेश में जो गरीब बेचारे आज तक जो है बीमारी से दम तोड़ देते थे, उनको हमारी सरकार ने जो है अटल आयुष्मान के तहत अभी हमारी सरकार उन लोगों को जो है मुफ्त इलाज किया गया है। इन बड़े बड़े अस्पतालों में उनको जो है इलाज किया गया है, उसमें करोड़ों रुपये हमारी सरकार द्वारा खर्च किया गया। थराली विधानसभा के लोगों को फायदा हुआ, उससे कुछ लोगों का इलाज हुआ? बहुत लोगों को फायदा हुआ है। यहाँ थराली विधानसभा का बहुत क्षेत्र सीमांत क्षेत्र में है, जो गाँव का क्षेत्र है, उन लोगों को भी बहुत इसमें विधायक जी के माध्यम से बहुत लोगों को फायदा है। जानेंगे विपक्षी दल भी हमारे साथ हैं। सर आपने सुना कि विकास कार्य हुआ 4.5 सालों में और ऐसा विकास हुआ कि दूर दराज के लोग भी काफी प्रभावित हैं, क्या कहते हैं आप मुख्य विपक्षी दल हैं क्षेत्र के? विकास के नाम पे यहाँ पे केवल एक कोरी घोषणाएं हुई है। हमारे उत्तराखंड राज्य हुए 20 साल अभी पूरे हो चुके हैं, जो 5 साल यहाँ पे रहे ये विकास की दृष्टि से शून्य काल रहा इस क्षेत्र का, क्योंकि इससे पहले जितने भी विकास कार्य यहाँ पर हुए, चाहे सड़कों का मामला हो तो गांव-गांव तक सड़कें पहुंची है, चाहे विद्यालयों का मामला हो तो गांव-गांव तक इंटर कॉलेज हाई स्कूल खुले हैं। यहाँ पे राजस्व की बात करें तो हमारी बहुत पुरानी मांग थी तहसील की, ये भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ पे खोली है। आज तक 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने जो है उस कार्य को आगे बढ़ाना था, भवन बनाना था, आज तक वो भवन नहीं बन पाया। स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए यहाँ पे 5 सालों से हमारे यहाँ पे 0 स्वास्थ्य सुविधा हुई। आज छोटे से इलाज के लिए हमारे लोगों को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। सड़कों का हाल है, स्वास्थ्य का हाल है, शिक्षा का हाल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। मुझे देखने में लगता है कि ये कोरी घोषणाएं हैं केवल, और धरातल पर कुछ भी नहीं हम दिखाई दे रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। संदीप जी आप युवा लगते हैं, युवा चेहरा है, आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके प्रतिनिधि भी यहाँ रहे, आपके विधायक भी यहाँ रहे, और आप क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, काम हुआ या नहीं हुआ, 2 शब्दों में सीधी बात। सबसे पहले मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि
कि इस तरीके के जो आयोजन होते हैं इसका लाभ सीधा जनता को मिलता है। सरकार के पास जो लोग जनता अपने सुख दुखों को लेके जाती है, सरकार को जब जनता बनाती है वोट दे करके उनको सदन तक भेजती है, सदन में उनके लिए कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है, उनके जीवन स्तर को में परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, क्या योजनाएं अधिक ली जा रही है, आप लोगों के माध्यम से जो इस तरीके की डिबेटें होती हैं उसमें उस बात का पता चलता है। देखिए हमारे भाजपा के हम डेलीगेशन में बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष, अभी आपने बताया कि हमने इन 4.5 सालों में, देखो 5 साल पूरा होने वाला है, कि इन 4.5 वर्षों को में हमने इस थराली विधानसभा में विकास के गंगा बहाई या बहुत सारे काम किया। शायद मैं आप कह रहे थे कि 2 दिन लग जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा किए गए विकास के कार्य इस थराली विधानसभा में भाजपा की सरकार द्वारा, मुझे नहीं लगता उन कार्यों में को गिनने में दो दिन का वक्त लगेगा। मैं अंगुली में ज़्यादा 5 मिनट में हम वो काम गिना देंगे कि क्या काम आपके द्वारा किया गया। जो काम हुए हैं इस थराली विधानसभा के अंतर्गत पूर्व में उत्तराखंड 2002 से और अभी तक की अगर हम बात करेंगे, 10 साल भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ पे काम करने का मौका मिला, मात्र 5 साल हमारे विधायक के पास थे, कांग्रेस का विधायक 2012 में जीत करके सरकार में गए, लेकिन 5 वर्षों में भी आपदा में कई समय 1.5-2 वर्ष का समय आपदा से उबरने में लगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो विधायक यहाँ से थे डॉक्टर जीत राम जी, उनने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में स्थानीय विधानसभा के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, जो काम यहाँ पे पहले कभी हुए नहीं। उसमें सर्वप्रथम शिक्षा पे डॉक्टर साहब ने शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा के ऊपर बहुत सारे काम किए। आप देखेंगे हमारे पॉलिटेक्निकल कुलसारी में है, सुंदर सा भवन, हमारे इस गांव से लोग बच्चे एक होल्डिंग में रहते थे कि भाई मुझे 12वीं के बाद बीए करने हैं, बीएससी करना है, एमएससी करना है, हमें फिर टीचिंग में जाना है, लेकिन एक कोई टीचिंग के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के, लेकिन इंजीनियर बनना, हमारे इस क्षेत्र के बच्चे कभी इंजीनियर आसानी से गरीब का बच्चा नहीं बन पाता था, जो पैसे वाले थे बाहर पढ़ा करके बना ले, लेकिन इस क्षेत्र का आम बच्चा जो इंजीनियर बनने की सोच रखता था, ख्वाब देखता था, डॉक्टर साहब जी के कांग्रेस के देन से वो काम कुलसारी में आप देख सकते हैं। घाट के लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी डिग्री कॉलेज की, वहाँ के लोग कई बालिकाएं तो ऐसे होते थे कि वहाँ के लोग 12 पास के बाद अपने बच्चे को दूर नहीं भेज पाते थे, कि ना तो उनके पास उतना संसाधन थे और ना ही एक दृष्टि से भी कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा कैसा रहेगा। ये सारी तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर जीत राम जी के नेतृत्व में घाट में डिग्री कॉलेज की स्थापना की। बेहतर काम मतलब कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया, सभी अपने जो कार्य हैं वो गिना रहे हैं। सर आप बताइए किसने बेहतर काम किया, आपने दोनों ही सरकारें यहाँ देखी। मैं सर्वप्रथम न्यूज इंडिया का जो यहाँ पहला सी पहल की लोगों ने आपका बधाई के पात्र हैं। दो दल भाजपा कांग्रेस, ये सिक्के के दो पहलू है, एक छोटा बेटा है एक बड़ा बेटा है, ये खास पर एक ही पेट में खुजली हुआ और दूसरे ने खुजलाया, फिर उसकी पेट में खुजली हुई और दूसरे ने खुजलाया, डबल इंजन फेल। इस प्रदेश में, इस जिले में डबल इंजन ट्रिपल इंजन है। भाजपा का जिला अध्यक्ष जिला यहां रहा, विधायक यहां रही, 20 साल इनको यहां हो गए नारायणगढ़ में। स्वास्थ्य केंद्र का देखो ये हाल है कि वो आज तक वो इस हॉस्पिटल वहां मलवा आ गया, कई बार हमें बोला इनको ठीक कराओ, हॉस्पिटल को चेंज करवाओ, परंतु नहीं, इन्होंने केवल कोड़ी घोषणाएं की। एक पोस्ट ऑफिस का यहाँ जगह पड़ी है हमारे पास, उस पोस्ट ऑफिस में 2 आदमी खड़े नहीं हो पाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस सब लोगों ने अवैध कब्जा उसमें कर दिया है। कई बार बोला इनको भाई उसको वहां पर एक बिल्डिंग बनाओ, विकास कहाँ विकास, ये कोड़ी घोषणाएं है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इन्होंने जनता को, नौजवानों के लिए कोई नीति नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं है, महिलाओं के लिए कोई नीति नहीं है और विद्यार्थियों के लिए कोई नीति नहीं है, नीति भीहीन है, उद्देश्य भीहीन है। कोरी घोषणाएं करते हैं, कोरी घोषणाएं। सर आपने सुना विपक्ष ने भी क्या कहा, और इसके साथ ही आप पर कहीं आरोप लगे कि विद्यालय की स्थिति बेहतर नहीं है, जो आप कह रहे थे कि हमने विद्यालय बनाए, इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र बहुत बेहतर नहीं है, लोग परेशान है, दूर दराज लोगों को जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में पहले जो यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं था, जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी तो यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं था, आज यहाँ पर 2 डॉक्टर हैं, आज यहाँ पर 2 डॉक्टर हैं। और उसके बाद जैसे स्वास्थ्य के मामले में कह रहे हैं, उसके बाद शिक्षा के मामले में है, शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ पे
ये अटल ऐसे कार्य आपको गिनाने पड़ रहे हैं कागजों में, तो उसकी धरातल की स्थिति समझनी होगी, लेकिन हमारे साथ जनता भी यहाँ मौजूद है, उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ और सरकार और विपक्ष में से किसने बेहतर काम किया। सर आपका सभी दल यहाँ मौजूद है, किसी से कोई सवाल? मेरा सरकार से सवाल है, और उसे क्या सवाल करेंगे। मेरा सवाल है कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो है, तो अभी जैसे सब लोगों ने कहा, यहाँ पर स्वास्थ्य की इतनी बुरी गत है कि अगर कोई शाम को 5 बजे 6 बजे कोई गांव से कोई आता है तो उस हॉस्पिटल में ताले लगे रहते हैं, सन्नाटा रहता है, वो यहाँ दर्द से मरेगा, वो परेशान रहेगा, यहाँ से कोई उसको रेफर करने के लिए भी नहीं आएगा। इतनी बुरी गत, रात को कोई नहीं रहता। यहाँ पर इतनी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इमरजेंसी में इतने गाँव के लोग आते हैं, 85 ग्राम सभाओं को ले आते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर ठीक है 2 डॉक्टर आप लाए, पहले तो यहाँ पर एक ही डॉक्टर है, 2 नहीं है, अगर 2 हैं भी तो 1 की व्यवस्था आप रात को तो कर दीजिए, कम से कम इमरजेंसी में को आएगा। इतनी व्यवस्था तो जनप्रतिनिधि कर सकता है। रात में अस्पताल में व्यवस्थाएं होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी क्षेत्र के लिए, खास तौर से इतने दूर दराज के क्षेत्र जहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर अपने क्षेत्र का। मैडम आपका कोई सवाल किसी राजनीतिक दल से? जी मेरा सवाल हमारी जो वर्तमान में विधायिका जी है उनसे है, मैं किसी से और सवाल कुछ नहीं करना चाहती। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि आपका जो कार्यकाल रहा वो 4.5 साल कंप्लीट हो चुका है और मात्र 6 साल बचे हुए, लेकिन 6 साल में मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ। अपने इस विधानसभा थराली का जो हमारा हाल है, हमारे यहाँ से लेकर इस नारायणगढ़ इस इधर वाले मार्केट से और उधर वाले मार्केट तक जो सड़क का जो हाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और आप लोग इसको देख भी सकते हैं और अपने इस कैमरे में आप उस सड़क को कैद भी कर सकते हैं कि देखो ये कैसे कैसे बुरे हाल हो रखे। और हॉस्पिटल का तो बिल्कुल खत्म ही है, कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर यहाँ पे है, लेकिन जब 2 डॉक्टर यहाँ पे है तो यहाँ से मरीज रेफर क्यों होता है तुरंत, हाथों हाथ उनको रेफर क्यों किया जाता है, यहाँ क्यों उनका वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ क्यों उनके लिए सुविधाएं नहीं है, है ना। यहाँ एक भी मशीन, अगर यहाँ कोई कोई किसी चीज के अगर हम अपने टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमारे लिए एक मशीन की सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो हम कैसे बोल दें कि इन्होंने कुछ कार्य किया? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। मैं विधायक जी से यही कहना चाहती हूँ, वो हमें जवाब दे। अच्छा, जनता जवाब मांगती है विधायक से, प्रतिनिधि से। आपने सुना कि किस तरीके की नाराजगी है, खास तौर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। रात में कोई डॉक्टर नहीं है, यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो व्यवस्थाएं नहीं है, सड़क के बहुत बुरे हाल हैं। आप ही भी उन सड़कों से, आप लोग भी उस सड़कों से जाते होंगे। ये ऐसा है कि समय जो ये बारिश बुरसाई बरसात में है, उनसे जो है तो ये सड़कों के हाल खराब हुए, वरना हमारी सरकार ने इतनी सड़कें काटी है कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा है, प्रत्येक सड़क से जोड़ा है। दूसरा आप उसकी बात कर रहे हैं ये शिक्षा की बात, तो यहाँ पर नहीं तो बोल तो रहा हूँ मैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 ही डॉक्टर होते हैं अलाउड, वहाँ पद ही 2 डॉक्टरों के हैं, और अगर इसका उच्चीकरण हो जाता तो यहाँ पर ज्यादा डॉक्टर बैठते। लेकिन 5 साल कांग्रेस रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो इन्होंने जो है तो इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण क्यों नहीं किया? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल ये जब रहे तो। लेकिन सर व्यवस्थाएं नहीं है, रात में डॉक्टर नहीं, कोई परेशान है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रात को डॉक्टर यहीं रहते हैं, यहाँ डिब्री जी हैं, उनका यहाँ पे कमरा है, डॉक्टर रहते हैं रात में? रात में नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते नहीं है, दिन में वो 2 बजे चला जाते हैं, और उनके पास 80 ग्राम सभाएं हैं, और वो कभी किसी क्षेत्र में हफ्ते महीने में वो करीबन 10-15 दिन वो अपने विजिट पर रहते हैं, जिससे कि यहाँ पर मरीजों को परेशानी होती है। सर परेशानी तो हो रही है क्योंकि जनता परेशान है, सभी लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं मैं कह तो रहा हूँ कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, और सर यहाँ जरूरत है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 85 ग्राम पंचायतें शायद इस क्षेत्र में। इसके उच्चीकरण की कार्रवाई चल रही है अभी, कब तक होगी, जब सरकार बदल जाएगी? नहीं, हमारा ये हमारा ये दबाव है कि आपने सारे काम तो कर दिए, बहुत अच्छे काम किया आपने, लेकिन आप अति शीघ्र जो है हॉस्पिटल का उच्चीकरण करा दें। आप मांगते हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम हो। सर आपने सुना क्या राजनीतिक दलों ने कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें बदहाली की कगार पर है थराली विधानसभा। हाल है, बहुत बुरे हाल हैं। ये 2 दल हैं, भाजपा कांग्रेस, एक बाप के 2 बेटे हैं। इन्होंने तो पहले कांग्रेस का राज रहा, इन्होंने आओ लूटो खसोटो, अब भाजपा का राज आया, आओ लूटो खसोटो। आज सिलेंडर देखो 1000 से ऊपर पहुंच गया, पेट्रोल का दाम देखो कहां से कहां पहुंच गए, ये भार पड़ा है आम जनता पे, महंगाई बढ़ रही है। अच्छे दिन कहां, अच्छे दिन हमको हमारे बुरे दिन लौटा दो,
हमको वो अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन नहीं चाहिए, बुरे दिन लौटा दो। और भी कई लोग हमारे साथ ही यहाँ मौजूद है। सर, आपका किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? मेरा कोई राजनीतिक दल से कोई सवाल नहीं है। माननीय विधायक जी से सवाल है कि आप 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 5 साल आप विधायक रह चुके, जरा आप, अरे अरे भैया बासुम तमीज से बात, भाई बात सुनो, हाँ 5 साल तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो नहीं बोले, बोलिए बोलिए बोलिए। 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 5 साल विधायक रहे, जरा देखो ना, प्रखाव से ना बोल से चुपतर मोटर मार की व्यवस्थाएं देखो ना जरा पहले आप, हमने आपको प्रतिनिधि चुन रखा है, अरे आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल मलाई खा रहे, भाड़ में जाए जनता। और ये है पीछे से मेरे भाई लोग 10 साल नाराजगी 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 बहुत ज्यादा है। सर, आपका किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? सर, हमारा राजनीतिक दल से तो जवाब, वो सवाल जवाब कुछ नहीं है। और लेकिन भाई साहब कह रहे थे हमसे कि हाँ, नारायणगढ़ में जो भी हमारी माने जो विधायक जी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्षा रही, तो वो कह रहे हैं कि 5 साल रही, तो ये इनके पूरा नॉलेज तो है नहीं कि कितने साल रही, है ना। तो बीच आप ये मानते हैं कि विकास कार्य हुआ? विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य हुआ है। पहले मैं युवा हूँ तो युवाओं की तरफ से बोलूंगा, और अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं यहाँ पे नगर मंत्री भी हूँ नारायणगढ़ से, तो मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। हमारे छात्र छात्राओं को पहले यहाँ पे इतनी समस्याएं होती थी, यहाँ से कर्णप्रयाग जाना पड़ता था, गरीब बच्चे हैं, इतने दूर दूर दराज के गाँव के हैं, उन्हें पहले यहाँ पे से एक कमरा लेने के लिए कर्णप्रयाग जाना पड़ता था, इतने जगह परेशानियां होती थी। आज हमारे यहाँ पे मोह पे नारायणगढ़ में महाविद्यालय, माननीय विधायक जी पूर्व में हमारे क्या माननीय विधायक जी मगनलाल शाह जी यहाँ पे थे, उनके नाम से यहाँ पे महाविद्यालय चल रहा है, और वर्तमान विधायक जी हमारी मुनीर भी शाह जी के। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आपका क्या सर? आपका कोई सवाल किसी राजनीतिक दल से? मेरा सवाल किसी से नहीं है। मेरा सवाल, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ की आम जनता को जागरूक किया। मेरा सवाल कांग्रेस के उन प्रतिनिधियों से है जो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2013 से आपदा ही वैसा का वैसा है। इनको ये पता होना चाहिए कि 2013 में किसकी सरकार थी। हमारी सरकार आई 2017 में, 2017 से लगातार विकास इतना चरम पे है कि हर, मतलब ये लगाओ कि हर घर नल, हर घर जल की योजना है। ये लगाओ आपकी विपक्षी दल से आपका सवाल है कि व्यवस्थाएं 2013 से बेहतर नहीं। सर, आपने सुना होगा सवाल कि 2012 से लेकर 17 तक आपकी सरकार थी, लेकिन सड़कें नहीं सुधरी। जी जी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ माध्यम से कि जब 2013 में यहाँ पे आपदा आई तो ऐसे ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में हुए, सारे व्यापारी बंधुओं को, सारे हमारे जो जहाँ पर जो ये लोग थे जिनकी मकाने बही, सारे लोगों को मुआवजा मिला, और लगातार जो काम हुए हैं, और ये 1-2 साल से जो सड़कें आप अभी देख रहे हैं कि पूरे बाजार में पानी भरा हुआ है, और आज चलने के लिए यहाँ पर छोटे स्कूल के बच्चे जो हैं, वो प्राथमिक के बच्चे जो यहाँ पर चल नहीं पा रहे हैं। कौन सी सर, जिसको आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिला, किस चीज का मुआवजा मिला? सारे लोगों को, जिन लोगों की मकाने भाई उनको मुआवजा मिला, नहीं मिला कई लोगों को, अभी तक भी नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, अभी व्यापारियों को मुआवजा मिला है, तभी तो आप लोगों को मौका दिया है। क्यों नहीं मिला है मुआवजा? मिला है सबको, सबको मिला है। और आज आज आपने अभी मेरे एक छोटे भाई कह रहे थे कि यहाँ पर हम युवाओं को रोजगार मिला। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि 4-6 महीने पहले विकासखंड नारायणगढ़ में जो कि हमारे यहाँ पे विद्यालय में कुछ लोग लगे, उसमें नियुक्ति हुई, और जिला युवा कल्याण विभाग की तरफ से नियुक्ति हुई, जिसे कि हमें ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए थी। और मेरे ही भाई के खुद गांव में विद्यालय है, और माननीय विधायक जी ने अपने रिश्तेदारों को दूसरे ब्लॉक से लेकर, कर्णप्रयाग ब्लॉक से लेकर के नारायणगढ़ में उन्हें यहाँ पे नियुक्ति दिलाई, और जब हम लोगों ने उसका विरोध किया तो तत्काल वो नियुक्ति वापिस हुई। तो ये हमारे साथ सौतेला भी, और हमारे बेरोजगार। सर, क्या सर ऐसा हुआ कि नियुक्ति कराई गई? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा है वो उनका विधानसभा है, और उन्होंने कोई नीति नहीं किया, विधायक जी ने कोई नीति नहीं कराई है, और ये नीति वैसे ही बोला जा रहा है कांग्रेस द्वारा, विधायक जी ने कोई नीति नहीं कराई है, ये इतनी नीति हुई सारी विधायक जी ने कराई क्या? ये तो जिस विभाग का काम है उस विभाग का है, उस विभाग का काम है, उस विधायक का उस विधायक का क्या रोल है? जनता की नाराजगी नजर आ रही है क्षेत्र में। और भी कई लोग हैं, भाई साहब आपका कोई सवाल? स्वच्छता पे बोलना चाहता हूँ, स्वच्छता के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? मैं ग्राम सभा बैनोली से बोल रहा हूँ, जहाँ पे पानी की समस्या है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ठेकेदार भी हैं, और 4 साल से पानी की लाइन में अभी पानी नहीं है, क्या जवाब देना चाहेंगे मेरा? सर, जवाब मांग रही है जनता, पानी बहुत जरूरी है पहाड़ में भी,
अब खास तौर से पानी की बहुत 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 ज्यादा जवाब है आपकी पार्टी से सवाल। उसमें मैं कोई ठेकेदार उसमें मैं कोई ठेकेदार नहीं था। एक मिनट पहले ये बात पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। भाई मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपने मुझसे जवाब कर दिया, मैं प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे नाम पर बॉन्ड है और उसमें वो काम रमेश का है जो पूर्व प्रधान जी है वो काम करा रहे हैं, उन्होंने मेरे नाम पर काम लिया है। नंबर एक, नंबर एक, एक मिनट नहीं, एक मिनट, एक मिनट, अरे जवाब, जब पानी की जरूरत है उन्हें पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी, क्योंकि वहाँ पर स्रोत टूट गया है बरसात बरसात के कारण। कब तक मिलेगा, कब तक करें वो लोग उम्मीद आपसे पानी की, कब उन लोगों को पानी मिलेगा? बरसात के कारण जो है स्रोत टूट गया है, जिसकी फोटो भी मेरे पास है, स्रोत टूट गया बरसात में। पानी चाहिए सर, जनता को पानी चाहिए सर, पानी उन लोगों को, पानी कब तक मिलेगा? और उस पर जो है पैसे भी स्वीकृत हो गए जो जो बहा हुआ है, जो है बिल्कुल माने के अनुसार अपनी है। सर सर बड़ा बड़ा ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनको पानी कब तक मिलेगा? क्या चीज, इनको पानी कब तक मिलेगा? इनको एक महीने के अंदर पानी मिल जाएगा। उसमें एक महीने का समय दिया गया है सरकार की तरफ से, आपके ग्राम सभा में पानी पहुंच जाएगा, नहीं तो ये यही मौजूद हैं। इसके साथ ही आप लोगों का कोई और सवाल यहाँ से पूछिए हमारे, कोई और लोग भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। यंग आपका कोई सवाल, सरकार विपक्ष और भी कहीं दल मौजूद। मेरा मेरा आपसे यही सवाल है कि जो हमारे गांव में जो पानी आया है उसे बिना जियो टैगिंग के, बिना किसी परमिशन के, ना बिना जनप्रतिनिधि के पूछे हुए, सारे अपने तरफ से कोई भी पानी, हमारे यहाँ नल फिट है लेकिन कोई भी किसी के घर में लाइन नहीं आ रखी है, और फर्स्ट पेमेंट भी हो चुका है लेकिन उसमें अभी भी कोई पानी नहीं आ रखा है। फिटिंग हो गई है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। सर पानी की एक बड़ी समस्या है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के घरों तक। सर आपका कोई दल से सवाल? मेरा दल केवल कांग्रेस से सवाल है। ठीक है, सवाल कांग्रेस से पूछे। कांग्रेस से सवाल ये है, इनको फ्री भी मिलेगा तब भी ये कभी गुण सरकार के गुण नहीं गाने वाले। ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी सरकार ने इनको 8-8, 9-9 महीने की राशन फ्री दे रखी है, घर तक ठीक है, तब भी ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य के लिए 5-5 लाख की योजना है, स्वास्थ्य यहाँ से लोग 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाते थे शिक्षा के लिए, यहाँ तक कि 20-20 साल तक पहले सरकार पैसा नहीं देती भवन के लिए। हमारी सरकार यहाँ पे डिग्री कॉलेज शुरू हुआ, उसके साथ के साथ 7-8 लाख रुपया करोड़ भवन निर्माण भी हो गया, उसका छत भी पड़ चुकी है। अभी इन लोगों को ये कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका नाम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार कहते हैं काम हुआ है भाजपा सरकार में। सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि सड़कों का आप कहते हैं कि आपने जाल बिछाया, आप कहते हैं सड़कों का आपने जाल बिछाया, लेकिन आज भी कहीं ऐसी सड़कें हैं, चाहे देवाल से वाण की देख लें, सड़कें खस्ता हाल हैं। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जिसके यहाँ सड़क नहीं पहुंची है, जिसके चलते वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, उस पर क्या कहना आपका? कौन सा गाँव है सर? ये गाँव है नाखोली। नाखोली तो नाखोली में तो कमी होगी, रोड ज्यादा नहीं है, ऊपर परखाल से जाते हैं रोड, वहाँ पर वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे चैनल पे उसकी खबर भी चली थी, लोग काफी नाराज हैं, उन्होंने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। नहीं उस पे कार्रवाई अगर नहीं हुई होगी तो शायद उसमें विधायक जी जो कार्रवाई कर रहे होंगे, और वो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, चुनाव से पहले ही हो जाएगा। चुनाव से पहले का आश्वासन है कि उन लोगों का काम होगा? बिल्कुल होगा, उस पे काम होगा पहले। चलिए ठीक है सर, कि सड़कों में काम होगा, आश्वासन दे रहे हैं कि मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे मित्र ने ये बात रखी, सड़कों की बात रखी, ये सड़कें केवल नाम मात्र की सड़कें हैं। आज जो है गांव की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये देखिए सर आपके सामने है, ये मेरे गांव की बात है, ये मेरे गांव की बात कि मेरे गांव में दो दो बोर्ड लगा दिए गए हैं, ये दो दो बोर्ड मेरे गांव में लगे हैं सड़कों के, और आज मेरे गांव में बिना सड़क के हैं, जबकि नलगांव से भी बोर्ड लगा हुआ है कि नलगांव कपोली सड़क मार्ग, और कनवाल गांव में लगा है, दोनों गांव आज मेरा गांव बिना सड़क का है, नहीं है मेरे गांव में सड़क, नहीं है मेरे गांव में ये बोर्ड लगा हुआ है, और मेरे गांव में आज भी सड़क है, कनवाल में सड़क है। आप बता दीजिए कि कनवाल गांव में, कनवाल गांव के ऊपर वहां से हम उतर के कनवाल गांव में पहुंच जाते हैं, भाई लोग अगर कनवाल गांव के लिए, कनवाल गांव 1.5 किलोमीटर ऊपर से पड़ता है और 7 किलोमीटर नलगांव से है,
है और आज जनता को ये चूतिया बनाने के लिए इतना बड़ा बोर्ड लगा गया है। सर सर धन्य है सरकार। बड़ी चीज ये है सर कि जनप्रतिनिधियों के घरों में ही सड़कें नहीं है, लेकिन सरकार आपकी थी, आप तब बनवाते। जी सर हमने हमारी सरकार ने नलगांव गंडी कपोली बमियारा कंडवाल गांव टू कंडवाल गांव के सड़क क्यों नहीं बनवाई? सुनो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों सड़क। जवाब इसमें दीजिए, जवाब इसमें। जब हरीश रावत जी की सरकार में नलगांव गंडी कपोली कंडवाल गांव सड़क जो है 18 किलोमीटर स्वीकृत हुई थी और वर्तमान सरकार ने उसमें जो टाइम उसमें जो खर्च 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और वर्तमान सरकार आई उसने इसका शासनादेश बदल करके जबकि अलाइनमेंट एक ही है और आप सड़क को जो है दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया, कंडवाल गांव सड़क नहीं आ रही है उसमें। उस आपके यहाँ उस समय सड़क आ रही थी ऐसा कहना है? सड़क के देखिए सड़कों के जहां तक इस थराली विधानसभा की बात हो गई, थराली विधानसभा की जो मेन सड़कें इन चारों भी लोगों को एक जोड़ने की सड़क की बात थी। भाजपा के लोगों ने 2000 के उपचुनाव में 2017 में भी भाजपा का अपना ये मुद्दा था, 2017 के चुनाव में मगन लाल जी उस समय विधायक जोड़ने का सड़कों पे की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन सड़कों को जोड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव 2018 में भी एक सोल क्षेत्र के लोगों से एक बहुत बड़े अपने उन लोगों ने तो विरोध भी किया था सोल के क्षेत्रों ने थराली ब्लॉक के अंतर्गत कि हम इस सड़कों को चारों ब्लॉकों को थराली विधानसभा को चारों ब्लॉकों को एक जोड़ने के लिए। देखिए सुनिए आप बात पहले तो थराली के जो ये सोल डूंगरी से सड़क घाट जोड़ने की थी कि थराली मोटर मार्ग को घाट जोड़ा जाएगा, उस सड़क पे अभी तक एक भी अभिलेख उसके तैयार नहीं हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ। धर्म सिंह रावत जी आप सुन रहे हैं सड़क नहीं पहुंच रही, पानी नहीं पहुंच रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने 11,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है, पर 11,000 कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ है वो? ये रो रहे हैं सड़क के, रो रहे हैं मेरी सड़कों से पड़ी हुई है। झूठी घोषणाएं, चुनाव आने वाले हैं, चुनावी पुलाव बनाया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस एक बाप के दो बेटे हैं, इनका कोई काम नहीं है, केवल घोषणाएं करना है, घोषणा मंत्री है। अच्छा घोषणा मंत्री सर, जनता से सवाल लेते हैं इसके बाद फिर आपसे आते हैं। आप इन्होंने सड़कों पर कहा, आपके पास सड़कों पर जवाब है। हम PMGSY के अंतर्गत प्रथम चरण में पिंडर विधानसभा में 214 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसमें थराली कुरड़ कुलसारी नंद केसरी बींगेरा कुलसारी इसका PMGSY के द्वितीय चरण के अंतर्गत 284 करोड़ का सड़क निर्माण कार्य हुआ है और जिसमें की सड़कों में फेज 1 और फेज 2 में कार्य चल रहा है। ये रिकॉर्ड है सर हमारे पास, देखो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये आप रिकॉर्ड में विभाग में जाकर पता कर लीजिए। सड़कों का देखो इस विधानसभा में जाल बिछा है, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छे कार्य किए सड़कों में और उनको जो बहुत अच्छे काम किए सड़कों पर बेहतर काम किए। सर आपका सवाल किससे है? सवाल मिलेगा पानी बैनर्जी गांव की जनता को। सर उन्होंने एक महीने का समय दिया आपको, एक महीने का समय दिया। आपका किसी राजनीतिक दल से सवाल? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, जब हर घर जल हर घर नल भी हो रहा था इन लोगों ने उस समय भी विरोध किया, कई लोगों ने बोला कि हमारे घरों में पानी नहीं आना चाहिए और जो इनका जिला पंचायत का सदस्य जीता उसने जब तो गांव-गांव में गया हुआ गांव-गांव में उसने घोषणाएं इतनी घोषणा की कि मुख्यमंत्री उतनी घोषणाएं नहीं। राजनीतिक दल पहुंचे, कांग्रेस भी है, कोई सवाल? हाँ कांग्रेस ही तो है वो, जब जीते बोला उस समय तो बोला कि मैं गांव में इतना बना दूंगा उतना बना दूंगा, लेकिन पानी के लिए उन्होंने बोला था कि आज मैं जीतूंगा कल को पानी इस गांव में आ जाएगा, तो क्यों नहीं आया? वो भी तो जनप्रतिनिधि है, भाजपा वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, वो जिला पंचायत के सदस्य और हमारी विधायक जी का। और सुनो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम है, उन्होंने हमारे विधायक जी के काम है, उन्होंने 40 रोडों पर पानी की
समस्या आपकी कहना है जी, आपका कोई सवाल, आप कोई सवाल पूछे? मेरा सवाल है, जब थोड़े इन लोगों को चुप कराइए आप। भाई साहब जनता कोई सवाल पूछ रही है, आप पूछिए जी। मेरा इन लोगों से एक सवाल है कि 2000 आज से कम 3 साल पहले मेरे गांव में एक सड़क बनी थी तुनेड़ा चोपता तुनेड़ा और फारकोट के लिए। वो 3 साल पहले विधायक जी ने, माननीय जो हमारी विधायिका जी है, उन्होंने उसका शिलान्यास किया था उसका, लेकिन आज तक वो सड़क की जस्ट की तस स्थिति है। कौन सी सड़क थी? इसमें चोपता तुनेड़ा से डोडवा गांव जानी। चोपता, भाई साहब चोपता तुनेड़ा से जाने वाली सड़क 3 साल पहले हो गई थी। महिला का आपसे सवाल है, उनका कहना है कि 3 पहले शिलान्यास हो गया था, लेकिन सड़क कहाँ है सड़क 3 साल पहले? शिलान्यास पट्टा लगा रखा है सर, जवाब मांग रही है, देखिए सामने आगे बिल्कुल। कोटली सर, किताबों में देखना पड़ा है, कहा जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता के काम करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी कितने कितने गांव आते थे इसमें? 3 गांव बिलोंग करते थे। कौन सी सड़क? ये चोपता से तुनेड़ा, तुनेड़ा से डोडवा गांव। चोपता से तुनेड़ा की सड़क की बात कर रही है? कितने साल पहले? 3 साल हो गए। एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। कितने साल पहले? नहीं, कितने साल पहले? 3 साल पहले। क्या क्या कहता हूँ, स्वीकृत है वो? स्वीकृत है वो? बनेगी कब? जाएंगे कब? उसे उस पर वन विभाग का वो लगा है, टेक्निकल फोर्ड लगा है वन विभाग का। सर सरकार आपकी डबल इंजन आपका, आप चाहते तो उस पर एक्शन लेते और उन सड़कों को खुलवाने का काम करते। मैं आपसे वन विभाग के मंत्री आपके, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग बढ़िया काम करते हैं, जो ज्यादा काम करते हैं, उनको तो ये कांग्रेस ऐसे कोसते हैं, लेकिन जब इनका काम होता है, जब ये काम करते हैं तो ये कोई काम नहीं करते, उसको झूठ। लेकिन सर सड़क तो बननी चाहिए सर। बिल्कुल वो सर, आपका कोई सवाल है? सुने, सवाल बताइए। अध्यक्ष जी से मैंने एक विधायक प्रतिनिधि जी के, जो भाजपा के डेलीगेट यहाँ पे बैठे हैं, मेरा आपसे एक बहुत सरल शब्दों में सवाल है कि 2018 के उपचुनाव में हमारे इसी नारायणगढ़ ब्लॉक के, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल पूछ रहा हूँ कि बुंगा क्षेत्र में जब जो किमोली और बुंगा का क्षेत्र था, यहाँ पे 2018 के उपचुनाव में माननीय विधायक मुन्नी देवी शाह जी के साथ पूरे उत्तराखंड के कैबिनेट इस थराली विधानसभा के नारायणगढ़ में उतरे थे। धन सिंह रावत और मुन्ना सिंह चौहान जी, गणेश जोशी जी जो अभी वर्तमान मंत्री हैं, मेरे क्षेत्र में आए थे। लेकिन इस उसमें तो उस समय ये भी कहा गया था कि 30 दिनों के अंदर हम उस सड़क को, जो किमोली मोटर मार्ग दिवाली खाल 4 किलोमीटर मार है ना, 3 महीने का समय लिया था, 3 महीने का। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, सर जवाब लेकिन अभी तक जरूरी है, जवाब लेना जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जनता के सामने जवाब दे रहा हूँ। जो किमोली टू दिवाली खाल है वो रोड बड़ी मुश्किल से अभी स्वीकृत हुई है। नहीं, इस समय हुई है, वो स्वीकृत हुई है। उसमें वो 1998 की जब 1998 की थी, तो 1998 से और बीच में कांग्रेस सरकार रही, तो तब क्यों नहीं बनी जो कांग्रेस सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी तब क्यों नहीं बनी? तभी तो बनना चाहिए था। लेकिन सर आपकी सरकार है, डबल इंजन है आपके पास, आपने बनाना था। हम बोल तो रहे हैं हमारे सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया, वो जो अभी हुआ है उसका शासन बनेगा कब सर, कब लोग? क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हमने देखा है, सड़क के लिए बहुत मजबूर हैं, पानी के लिए बहुत मजबूर हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत मजबूर हैं, शिक्षा के लिए बहुत मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं क्षेत्र के। ये तो कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए। कांग्रेस ही भाजपा की बात नहीं है, आप इसी क्षेत्र से रहते हैं, ये जनता यहीं रहती है, लोगों को सड़क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सारी सुविधाएं सरकार को देने का हक है, लेकिन कब लोगों को व्यवस्था मिलेगी? जियो है उसका, हाँ जियो है सर। व्यवस्थाएं कब मिलेगी आपके थराली विधानसभा के लोगों को, कब व्यवस्था मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक और सवाल लेते हैं सर, आपका कोई सवाल? बिल्कुल नहीं किया। ऐसा है, सबसे मूलभूत आपने तीन चीजें है, आपने जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और आपका जो तो
जो मूलभूत और सड़क होगी, इन तीनों पे ही यहाँ पर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। शिक्षा का ऐसा हाल है, आपने देख दिया है, सारी यहाँ पर कम से कम इस थराली विधानसभा में कम से कम जो तो 200-250 तो स्कूल बंद हो गए होंगे। सरकार स्कूलें बना रही है, आप स्कूल बंद कर रही हैं जबरदस्ती। दूसरी बात हो गई बच्चों की छात्रवृत्ति है, आज जिस बच्चे को 600 रुपए छात्रवृत्ति मिल रही है। सर 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 सर, हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे निवेदन है कि जब कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो कम से कम आप आपस में ना लड़े, सवाल सुने और उसका जवाब दें। सभी राजनीतिक दलों से सवाल है सर, आप जवाब। ये मैं छोटा सा सवाल करूंगा, यहाँ पर जो प्राइमरी में जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो 600 रुपए लगभग मिलती है, वो 600 रुपए की छात्रवृत्ति के लिए आज उनको जो है तो उनके हाथ में फॉर्म पकड़ा करके उनको बचाओ, आप बाजार में ऑनलाइन जो करवा दीजिए। उस बच्चे का जिसको छात्रवृत्ति 600 रुपए मिली है, उसको स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि जाओ आप मार्केट से ऑनलाइन करवा दीजिए। उसका पेरेंट्स ऑनलाइन के लिए सारे बाजार में भटक रहा है, जाति प्रमाण पत्र बना रहा है, आय प्रमाण पत्र बना रहा है, और उसके 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसमें मात्र उसको 600 रुपए मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर उसके अभिभावक से ऑनलाइन हो पाएगा तभी उसको मिलेगा, उससे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल भी उसको नहीं मिलेगा। पहले होता था स्कूल में मास्टर उसको फॉर्म को भरता था, वहीं जमा होता था, समाज कल्याण जाता था, उसी व्यवस्था को व्यवस्था 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 बनाने की जरूरत है सर। और भी कहीं प्रतिनिधि सर, आपका किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? सवाल मेरा राजनीतिक दल दोनों से सवाल है कि यहाँ पे लोग सड़क और रोजगार की बात तो कोई कर रोजगार की बात कोई कर नहीं रहा है, और जहाँ यहाँ पे जो कृषि है, जो हमारा कृषि प्रधान है, पशुपालन यहाँ पे बहुत अहम है, लेकिन कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या वामपंथी लोग हो, ये सब लोग अपने आपस में ही लड़ते रहते हैं कि इसने ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन रहा जहाँ पलायन की बात है, पलायन पर सब लोग भाषण देते हैं लेकिन पलायन पर किसी ने काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जो कृषि है, कृषि प्रधान है यहाँ पे, कृषि हमारे खेती सारे बंजर पड़ गई, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा होती है लेकिन आज हमारा कम से कम 75% जो खेती है वो बंजर हो गई है, तो उस पर किसी का कोई ठोस नीति नहीं है। तो कृषि ठोस नीति सर आप चाहते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है और इस जिले में और इस विधानसभा में एक बड़ी समस्या है सर। सभी राजनीतिक दलों से सवाल था, सबसे पहले भाजपा, आपकी सरकार थी, पलायन आयोग लाने की आपने बात कही थी, उसके बाद काम करने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोग आज भी अपने गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, उसकी कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, और यही कारण है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और खेती बंजर हो रही है। उस पर क्या जवाब है? पहले से अभी काफी कार्य हुए हैं, बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं सर, पलायन रोकने का क्या? हाँ, पलायन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए जो है धामी जी ने जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से समिति बना रखी है, जो कृषि पे बात हो रही है अभी, उसके कृषि नीति पे उसके लिए अलग समिति बनाई है, तो शायद जो भी उसका सभी दलों से मिलकर जो भी उसका वो होगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप ये बताइए पलायन रोकने के लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास इस क्षेत्र में, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि उसके लिए अलग समिति जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे। कांग्रेस आपके पास भी लंबे समय था, आपके कार्यकाल में भी बहुत पलायन हुआ, कृषि की व्यवस्था बहुत खराब हुई, आप ये बताइए पलायन रोकने के लिए क्या आपके पास मूल मंत्र है? मैं पलायन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमने अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात हमने सुनी कि हमारे यहाँ पे पलायन आयोग का गठन पौड़ी में कर दिया गया है, और पलायन आयोग ने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करते हुए पहाड़ के जनपदों का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी। पर बहुत बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नारायणबगड़ चमोली जनपद में तो नहीं आए, नारायणबगड़ में कोई भी यहाँ पे पलायन का सदस्य नहीं आया, और कोरे कागजों में वो योजना बना करके कोरी सर्वे करते हुए सरकार को दी गई, जबकि गांव की स्थिति आज। लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं रोका पलायन, ये भी एक बड़ी समस्या। आज पलायन रोकने के लिए हमारी सरकार ने एक नीति बनाई थी कि गांव में जो है कि पूरी चकबंदी की जाए, और चकबंदी तो हुई ना उस समय भी, आपके केवल दो ही मंत्री थे जिन्होंने चकबंदी की, आज वो भाजपा में शामिल है सर। आपका देखो उत्तराखंड को यहाँ पलायन रोकने के लिए
गढ़वाल के लोगों को गढ़वाल में रोकना और कुमाऊं के लोगों को इसी गांव परिप्रेक्ष्य के लोगों को यहां रोकने के लिए बहुत सारी मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, हर किसी ने बहुत प्रयास किया प्लान को रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत जी ने गाढ़ गदेरों की बात की थी यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए। हरीश रावत जी ने कोदा मंडवा झंगोरा आज झंगोरे की खीर पूरी देश में राष्ट्रपति के भवन में परोसी जाती है, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के आय में परिवर्तन लाने के लिए यहीं हरीश रावत जी ने उस टाइम पे पेड़ लगाने पे भी बोनस देने का काम किया। हरीश रावत जी ने किसानों के लिए 10 बकरी 1 बकरा देने का काम किया कि काश्तकार अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। मेरी बात क्लियर होने दो, एक सेकंड। सर केवल हम केवल इतना जानना चाहते हैं पलायन के लिए आपके पास क्या रोड मैप इस समय? नहीं, अभी रोड मैप अगर हमारी सरकार, हमें तो सारी उम्मीद है लोगों ने कहा भी नहीं, रोड मैप लोगों का पूरा मन बने भाजपा जाएगी 2022 में कांग्रेस पार्टी को। हमारी सरकार का जो मेन मोटो है सबका साथ सबका विकास, और अभी देखना हमारे जनवरी फरवरी में चुनाव आने वाले हैं, और अगर हमने काम किया होगा तो जनता जवाब देगी। आपका सवाल किसी, आप बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सवाल कांग्रेस से पूछना चाह रहे हो? कांग्रेस को हमने कह दिया, कांग्रेस को अगर आप दूध में मिलाओ, घी में मिलाओ, शक्कर में मिलाओ, कभी ये नहीं बोलेगी कि इसमें मीठा है। इनको चाहिए देश लूटना, देश लूटने में ये नंबर वन है। इन्होंने देखो आज वो आपका हार्दिक पटेल हो या वो क्या बोलते हैं उसका नाम जो वामपंथी था, सब जिग्नेश हो, ये ऐसे ऐसे नाम है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, ये सारे लास्ट में वही देशद्रोह पार्टी से मिले। इनको किसी मुद्दे से कोई सर, क्षेत्रीय मुद्दे पूछे जा रहे हैं आपसे, आपका कांग्रेस से कोई सवाल? हमारी रोड जो है कई सालों से, विगत सालों से इन कांग्रेस ने कहा आज आजा जियो कल आता जियो कल, लेकिन हमारी विधायक लोकप्रिय विधायक मुन्नी देवी शाह ने, हमने एक बार बोला प्रस्ताव दिया उनको, उन्होंने तुरंत वहाँ पे सचिवालय में जाके सीधा सोशल कर दिया कि जियो मतलब जियो ले आए, काम हुआ। आप बहुत खुश हैं। सर आपका कोई सवाल था? कृषि बचाने के लिए जंगली जानवरों से इन सारी दलों की क्या नीतियां हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आई, चाहे कांग्रेस था, उन्होंने बाड़ा बनाया उसके लिए क्या नाम है बंदरों के लिए, लेकिन वो फिर सफल नहीं हो पाया। तो ये जो जंगली जानवरों से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा कृषि का, उस पे क्या नीतियां हैं इन सभी दलों की, उसके बारे में पूछना। सर पलायन बड़ी समस्या है और कृषि तो जैसे सर ने बताया कि बंदरों के लिए बाड़े बनाए गए कांग्रेस सरकार में, उनकी स्थितियां आज नजर नहीं आ रही है, बंदर लगातार खेतों में जा रहे हैं। आपकी सरकार ने कहा था कि हम बेहतर काम करेंगे कृषि के लिए, लेकिन आज भी लोग परेशान है, खास तौर से वो किसान जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और पहाड़ में खेती करते हैं, किसानों के लिए क्या बड़ी समस्या? सर समस्या सवाल जनता का। देखो अब आप ज्यादा बोल रहे हैं, अब क्या बताऊं मैं आपसे। सर आप थोड़ा डिबेट को भटकाने का काम ना करें, कम से कम जो जवाब मिल पाए। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा, वो पटवाल जी ने एक बात कही थी यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे हरीश रावत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कोदा झंगोरा इत्यादि की जो बात की थी वो नहीं हो रहा है, और दूसरा इन्होंने ये बात कही, लेकिन हो रहा है और इन्होंने उनके प्रयास ये भी थे कांग्रेस वालों को प्लीज थोड़े आप मेरी बात सुनिए। और हरीश रावत जी ने एक बात कही थी, अरे आप मेरे को भड़काओ नहीं यार। सर एक मिनट, आपने कहा कि बंदरों ने खा दिया, सरकार आपकी भी रही उस समय भी यही समस्या रही, तब आप लोगों ने रोकथाम क्यों नहीं की? जी हमने रोकथाम के लिए बंदरवाड़ों की व्यवस्था की। बंदरवाड़े कहाँ है सर, आज कहाँ है बंदरवाड़े बने? जो ही भाजपा की सरकार आई उन्होंने क्या किए कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने जीने में पूरे हरिद्वार से लेकर के बंदरों को ट्रक में भर के हमारे गढ़वाल में छोड़ दिए हैं, और आज वो बंदर हमारे लिए सर दर्द बने हुए हैं हमारी सारी खेती को। तो ये तो चाहते हैं कि यहाँ इसका जवाब ले रहे हैं। इसका जवाब मैं
जनता के सामने एक चीज बता रहा हूँ, मैं आप थोड़ी प्लीज, एक तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि थोड़ी बात होनी चाहिए तो अपने मुद्दे रखने चाहिए। ऐसा है, हरीश रावत जी ने एक बात जरूर कही थी कि यहाँ पहाड़ों में भांग की खेती की जाए, भांग की खेती के लिए उन्होंने प्रोत्साहन लोगों किया था, और उसके बाद जो है लोगों को उन्होंने लोगों को भांग की खेती के लिए जरूर प्रेरित किया है, और बाकी उन्होंने किसी चीज कोई नीति ऐसी किसी नीति नहीं बनाई है। और जहां तक बंदरबाड़े की बात कर रहे हैं, बंदरबाड़ा कहीं नहीं बनाया गया। सर सर एक 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 आखिरी एक 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 सवाल और सभी राजनीतिक दलों से मेरा एक सवाल है, पहले आप स्थानीय सवाल है उसका जवाब मैं लूंगा आपसे। गैरसैंण में आप लोगों ने प्रयास किया कि स्थायी राजधानी बने, हमने तो सब भवन भी कांग्रेस के देन है, भवन तो देन है, लेकिन सर पूरा सवाल पहले मैं सवाल पहले सर सवाल बता दूं। इसके साथ ही भाजपा सरकार चाहती थी राजधानी बने। सर जब आप सुनिए, जब आपने सवाल ही नहीं सुनने तो फिर सर इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। जब आपने सवाल ही नहीं लेना तो इस राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं और ना ही इस डिबेट का कोई मतलब है। सर ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, सवाल सुनेंगे नहीं। आपसे मेरा सवाल, गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? सर तो बहुत पहले बनाना चाहिए थी, ये चुनावी लाभ लेने के लिए पहले कांग्रेस ने तब भाजपा ने बारी बारी पर इस देश को लूटा, खसोटा, नौजवान के साथ अत्याचार किया, विश्वासघात किया। ये नौकरी निकालते हैं, इनका आदमी कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले आता है और लोग बच्चों से फीस कटा कर, वही बात। इन्होंने तीन तीन मुख्यमंत्री बदलना काम किया इस प्रदेश में, इन्होंने तीन तीन मुख्यमंत्री बना। कोई विकास की नीति नहीं है, रोजगार की नीति नहीं है, छात्रों की कोई नीति नहीं है, खेल कोई नीति नहीं है। सर मेरा सवाल केवल छोटा सा इतना सा, गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। किसने बनाई? आप चाहते हैं राजधानी बने? बननी चाहिए। सर आपसे मेरा सवाल कि गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? राजधानी हमारी सरकार ने जो है ऐतिहासिक काम किया है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने तो केवल झूठ बोल करके वहाँ। नहीं सर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सीधा सा कहना है कि राजधानी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, और हमारी सरकार उसके लिए दो कदम आगे बढ़ चुकी है, 25,000 करोड़ का जो है ताकि बेहतर काम कर रही है। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आपने जब यहाँ मंडल घोषित किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो उन्हें आला कमान के पास जाना पड़ा, इस्तीफा मांग लिया गया, इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखो वो तो बड़े स्तर की बात है, उस पर क्या तो जनता विरोध कर सकती थी। जो हमारे यहाँ का चमोली जिले का है गैरसैंण, हमारे त्रिवेंद्र सरकार जी ने, हमारी भाजपा सरकार ने 25,000 करोड़ का जो बजट है 10 सालों के लिए हमारी राजधानी के लिए खर्च करने के लिए दिया है, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। हमारी दिवाली खाल से जो यहाँ से भराड़ीसैंण वाली रोड, डबल लेन वाली रोड आप देख रहे हैं, पेयजल पे वहाँ पर दूधातोली एक स्थान है, वहाँ पर कार्य हो रहा है, और हमारे ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल हमारी सरकार ने इसमें। आप क्या चाहते हैं, स्थायी राजधानी या ग्रीष्मकालीन? हमारी पूरी स्थायी राजधानी के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। आप ये फाइनल बताइए सर, स्थायी या ग्रीष्मकालीन भाजपा क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी उसको स्थायी राजधानी बनाएगी, स्थानीय राजधानी बनाएगी। सर भाजपा कहती है हम स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे, आपका क्या स्टैंड है, आप बनाएंगे ये बनाएंगे? कांग्रेस बनाएगी, कांग्रेस की 2022 में सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस ने ही गैरसैंण में राजधानी की नींव रखी, और इस उत्तराखंड के पहाड़ों का मात्र मरहम ही गैरसैंण की स्थायी राजधानी है। तब यहाँ पे पलायन रुक पाएगा, स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं साथ ही साथ शिक्षा के बड़े संस्थान खुलेंगे, लोग गाँव में ही रुकेंगे, तो इसलिए गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए, बनाएगी, ये आपका कहना है। सर मैं इस डिबेट का अंत कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सभी से एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। सर किसकी सरकार चाहते हैं थराली विधानसभा? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। आप? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप किस? हम बीजेपी की सरकार। आपकी सर? हम जनता जवाब देगी, और हम विकास की सरकार चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार करेगी विकास। ठीक है, विकास करेगी। आप? हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहेंगे। आप किसकी सरकार? हम तो नमो की सरकार चाहेंगे, और उस साथ में धामी जी को चाहेंगे, और धामी क्षेत्र में चाहे विधायक कोई भी हो, आपको मुख्यमंत्री धामी चाहिए। सर
आपने सुना कि बहुत लंबी डिबेट हुई, आपके जो सवाल लिए गए थे उससे भटकाने की कोशिश की गई। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने सभी राजनीतिक दलों को सुना, आप चाहते हैं कि बदलाव की स्थिति होनी चाहिए इस विधानसभा सीट पर? देखिए, विकास अगर कोई सोचता है तो मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है, अगर इन्हें मौका दिया जाए तो बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो अभी बदलाव की आवश्यकता तो नजर नहीं आ रही। सर, किसकी सरकार? सर, भाजपा की सरकार आएगी, निश्चित सरकार। क्यों 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 भाजपा क्यों पसंद आपको? भाजपा ने बहुत विकास किया है यहाँ। क्या आपके गांव में कोई विकास? बिल्कुल गई है, हमारी रोड आज तक रुकी हुई थी, जब से भाजपा की सरकार आई है तब जाके हमारी रोड का आज रोड पहुँच पाई है। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार आप चाहते हैं। इसके साथ ही और भी आपको बीजेपी सरकार क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि मेरे गांव में 70 साल बाद आजादी के बाद एक भव्य कॉलेज का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। और भी कहीं हमारे साथ लोग हैं। सर, किसकी सरकार चाहते हैं, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? मैं तो विकास के धारा पे हमारी भाजपा जनता पार्टी ही कामयाब हो रही है। तो आप समर्थक करते हैं, कुल मिला के कहा जा सकता है कि थराली विधानसभा सीट पर 2022 में पता चलेगा कि किसका एक बार फिर से झंडा गढ़ता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि समस्याएं इस क्षेत्र में बहुत है, दुर्गम क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं जनता ये कह रही है कि विकास जो करेगा उसको हम 2022 में विधानसभा पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।